कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है तो एक्ट के रूल बनाने का अधिकार, ये बेसिक समझ का विषय है। कैबिनेट नोट का सवाल किया, इसमें भी आप इसको गलत भ्रांति खड़ी कर रहे हो। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट नोट आज भी कोई भी राज्य हो, आप लोग की कई राज्य में सरकार है, वहाँ कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है, फाइल पर मंत्री की अप्रूवल होती है। यहाँ पर क्या होता था, जब घपले घोटाले वाली कैबिनेट नोट हो सचिव के पास जाती ही नहीं थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में मान्य अध्यक्ष जी कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है, मंत्री के सिग्नेचर से कभी नहीं जाती। इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं भाई, रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था, रूल्स के हिसाब से चले उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ, उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया, उसके पहले पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी, उसके बाद 56 में संविधान संशोधन कर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई, इसके साथ साथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया, और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय किया गया। 249A के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया। मैं एक जो रिपोर्ट है इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, अंबेडकर जी को पढ़ा, श्री रिंकू जी अंबेडकर जी को कह रहे थे कि अंबेडकर की भावना के खिलाफ काम कर रहे हो। रिंकू जी, हम तो अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि केंद्र के तहत रहना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूं, दिल्ली की कार्य प्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये बात को रिपोर्ट को कोट किया, और उन्होंने कहा कि बालकृष्ण समिति ने पूरे विश्व की राजधानियों की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणालियों का अध्ययन करके ये प्रस्तुत किया है जिसका हम पालन कर रहे हैं, और उस वक्त गृहमंत्री कांग्रेस के थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो तीन उंगली आपके सामने होती है, और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था, और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे, भाई और दो तीन लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे।